अब देश में गरीबी हटाओ के नारे पर राजनीति की दस्तक। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही ये गरीबी नहीं, ये गरीब को हटाने की बात करते रहे, लेकिन किसी न किसी सूरत में गरीबी को हटाने का वादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया गया। गरीबी हटी कितनी ये सबके सामने। अब राहुल गांधी खटाखट गरीबी को हटाने का एक फॉर्मूला लेकर आए। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1,00,000 रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1,00,000 रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। क्या एक झटके में यूं ही खटाखट देश की गरीबी हट सकती है? 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में भी दिया था। गरीबी हटाओ का वो नारा तब इंदिरा हटाओ के नारे की काट में लाया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आप मुझे बताइए, आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया था गरीबी हटाएंगे? 2019 में भी गरीबी हटाने के लिए राहुल गांधी न्यूनतम आय की गारंटी के साथ हर परिवार को 6,000 रुपए महीना यानी साल के 72,000 रुपए देने का वादा किए थे। तब जनता ने उस वादे पर भरोसा नहीं किया, लेकिन क्या अब खटाखट वादे पर जनता भरोसे की गारंटी देगी?